लड़की को सबके मरने का टाइम दिखाई देता है। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, तब एक बच्ची आकर उससे टकराती है, जिससे उसे बच्ची के पैर में लगे टाइमर से पता चलता है कि इस बच्ची के पास और सिर्फ एक ही मिनट बचा है। तभी उसे सामने से आती हुई एक ट्रक दिखता है। उसे लगता है यही ट्रक बच्ची के मौत का कारण बनने वाला है, इसलिए वो जल्दी से जाकर उस ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है। समय रहते ट्रक तो रुक जाता है, पर वो पीछे मुड़कर देखती है कि गले में चिंगम अटकने के कारण लड़की को सांस नहीं आ रही, और सांस न छोड़ पाने के कारण बच्ची की वही मौत हो जाती है। और ये जानते हुए भी लड़की कुछ नहीं कर पाती। अब कई साल बाद लड़की बस से कहीं जा रही थी, तभी उसके सामने रास्ते पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जहां लड़की सबकी मरने की टाइम तो देख सकती है, पर दुख की बात तो ये है कि वो चाहकर भी किसी को बचा नहीं सकती। यहां तक कि खुद लड़की के पास भी 5 महीने का ही टाइम बचा था, इसलिए अब वो तय करती है कि बची हुए दिन वो अपनी जिंदगी खुलकर जिएगी, क्योंकि उसका सपना था एक एक्टर बनना। इसलिए वो आए दिन हर जगह अपनी ऑडिशन दे रही थी।